अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो है रेमेडी मैं बहुत ही मैजिकल लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, उसमें मैंने ज़ाफ़रान का ज़िक्र किया है। ज़ाफ़रान जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है, और मैं रेमेडीज़ भी ख़ास तौर पर वही लेके आती हूँ, वही चीज़ें होती हैं जो कि ट्राई की हुई होती हैं और उससे रिज़ल्ट लाजमी आना होता है। हाँ, कुछ टाइम ज़रूर लग जाता है कि 1 वीक 2 वीक्स, ये हमारी स्किन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। जितनी ज़्यादा ख़राब होगी उतना ही ज़्यादा उसे सही होने में वक्त लगता है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो आप लोग फिर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं जो इसके अंदर फ़वाद डाले गए हैं। तो चलें रेमेडी की तरफ जाने से पहले, आप लोग जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरी न्यू वीडियोस आप लोगों को फौरन मिल जाएंगी आसानी से। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी जिक्र किया है कि मेरा पुराना चैनल जो है, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो जो है रिपोर्ट करने की वजह से रिमूव हो गया है, जो कि काफ़ी ऐसी मंजिल के करीब पहुँच चुका था। जब इतनी ज़्यादा मेहनत की गई हो और फिर उसे रिपोर्ट करने की वजह से रिमूव कर दिया जाए, वो भी ऐसी रिपोर्ट जो कि कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन होता है कि कुछ लोग हासिद होते हैं, हसद करने वाले होते हैं कि कोई आगे ना बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम रेमेडी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले है एलोवेरा जेल। अगर आप लोगों के पास असली एलोवेरा जेल का पौधा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इस तरह से जार वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। एक प्याली में 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें, और ज़ाफ़रान 2 या 3। ज़ाफ़रान आपकी स्किन को डार्क टोन से लाइट टोन कर देता है, पिम्पल्स के लिए बहुत अच्छा है, और ये जो है आपकी स्किन को शाइनी करता है, चमकदार स्किन करता है। इस रेमेडी से आप लोग के डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये बिल्कुल डल स्किन जो होती है उसे वाइटनिंग की तरफ लेकर आता है। ज़ाफ़रान के मज़ीद बहुत ज़्यादा फ़वाद भी हैं, तो ज़ाफ़रान इस रेमेडी में लाजमी यूज़ करना है आपने। एलोवेरा जेल और ज़ाफ़रान मिलाने के बाद आप इसमें रोज़ वाटर डालेंगे 1/2 टीस्पून। चूँकि इसमें ज़ाफ़रान डाला है तो इससे जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ज़ाफ़रान जो है मिक्स हो जाए और एक येलो सा शेड आ जाएगा, यानी ज़ाफ़रान अच्छी तरह से मिक्स हो चुका होगा। किसी भी कंटेनर में आप इसे निकाल के सेव कर सकते हैं, और आपने इसे रात में अप्लाई करना है, अपनी स्किन पे लगा के सो जाएं, ये एक मॉइस्चराइज़र की तरह से बन जाएगा। कुछ टाइम के इस्तेमाल से आप इसमें वाज़ा फ़र्क देखेंगे, अपनी स्किन में ग्लो देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।